दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र करीब 32 साल है और वो आए हैं मेरे पास महाराष्ट्र से और बड़े परेशान हैं। मैं शादी नहीं करूँगा। हम क्यों भाई शादी क्यों नहीं करोगे? तो बोलो मुझे इतना शीघ्र पतन है कि लड़की पर जाता हूँ बाहर ही निकल जाता है। मैं शादी कैसे करूँगा? मेरा तो बीवी छोड़ चली जाएगी। सब बोलते हैं कि उससे अब मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरा याददाश्त कमजोर हो रही है, मैंने बचपन में मुठ मार कर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो हमने कई वीडियो में बता रखा कि जो शीघ्र पतन जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, 80-90% लोग होती है। ये बेसिकली उत्तेजना की अधिकता है। क्यों? सीरोटोनिन केमिकल और ब्रेन में सेक्स सेंटर में कमी की वजह से, पेनिस के हेड सेंसिटिव की वजह से, सेक्स न मिलने होने की वजह से, यंग एज में खूब तेज तेज हाथ चला के हैंड प्रेस करने की वजह से, कभी कभी कुछ विटामिन डी कमी की वजह से, कभी कभी कुछ और, ये तो कभी कभी देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कमी की वजह से ऐसा किसी के होता है। पर कारण कुछ भी हो, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आराम से ये दवा लेने के बाद 50 से 60 रोज़ की दवा आएगी आपको, जिससे वो सीरोटोनिन केमिकल बढ़ जाएगा। जब केमिकल बढ़ जाएगा तो आपको डिस्चार्ज का थ्रेशोल्ड यानी किस उत्तेजना पर डिस्चार्ज होना है ऊपर चला जाएगा, तो कम से कम 3-4 मिनट टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद आप कई सेक्स थेरेपी स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करके आप टाइम बढ़ा सकते हैं। होता क्या है कि सारा आप वीडियो देखते जो हमारे जो देसी डॉक्टर्स होते हैं या कुछ डॉक्टर जो कि गलत जानकारी देते हैं, उनको देख के डर जाते हो आप, और जितना डरोगे उससे स्ट्रेस केमिकल बढ़ता है एड्रेनालिन, जो आपका एक्साइटेशन और घटा देगा, आपको डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड और नीचे कर देगा और पेनिस का इरेक्शन कम कर देगा। तो जिसको भी धीरे धीरे शीघ्र पतन होता है बाद में कड़ापन कमी भी हो जाती है, पर ये कोई बड़ी समस्या नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, डरो मत। कोई महंगी दवा भी नहीं आती है, किसी भी सेक्स दवा के लिए कोई महंगी दवा नहीं आती है, और कोई भी डॉक्टर दवा अपने पास नहीं दे रहा, प्लीज़ उसे मत लो। वो लोग महंगी दवा के नाम पर आपको सोना हीरा भस्म बोल बोल कर पैसा बनाएंगे। आप अगर आप किसी डॉक्टर से उसे लिख के तो बाहर खरीदेंगे हम, वो लो जिससे आप पता क्या दवा खा रहे हो। तो बार बार सीख मिली कि कुछ सीख, मतलब बड़ी समस्या नहीं होती, आप ठीक हो जाओगे।